की जय। गाइस कोहली आउट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो सारे? होपफुली बड़े ही हो गए। और भाई थंबनेल में देख ही लिया होगा भाई क्या आज व्लॉग का कंटेंट है। और भाई अभी तो होटल रूम है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेट हो चुके हैं भाई। वो लेट किस लिए हो गया उसका व्लॉग भी आएगा। थोड़ा बहुत होटल वालों ने हमारे साथ गलत करा था, लेकिन हमने भी उनके साथ अच्छा नहीं करा भाई थोड़ा देखा लड़ाई झगड़ा हो गया था। अच्छा क्या ना बुरा वो तो देख लेना। बाकी भाई अभी जा रहे हैं, सब रेडी हो गए हैं, जर्सी बस खरीदनी है और बाहर से खरीदेंगे। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है गाइस, बढ़िया बस मैच हो, होपफुली बहुत अच्छा हाई स्कोरिंग गेम जाए, मजा आए और इंडिया बस जीत जाए। अच्छा एक रन से जीतो बस, जीत जाओ बस भाई। अभी तो बिल्कुल निकल गए थे एकदम स्टार्ट कर, सोचा कि अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते। और भाई ये अपना होटल है, होटल दिखा देते हैं भाई। कमरा तो सारा ऐसे ऐसी हो रखी है, बाकी व्यू थोड़ा ऑफ ही है थोड़ा, पर ठीक है गाइस रूम बढ़िया है। हां भाई रूम बढ़िया है। बाकी भाई ये रूम देख लो, जल्दी से लेट हो रहे हैं, 12 बज गए हैं भाई। 12:30 टॉस होते हैं ना, डेढ़ बजे टॉस होता है भाई, जल्दी हमें आधा घंटा लगेगा। देखो भाई अपना होटल रूम है बढ़िया था। और ये देखो गाइस हमने भी बनाया भाई, सॉरी डैड आई एम नॉट ऑन एजुकेशनल ट्रिप। बाकी आपको मिलते हैं वहीं पे। और भाई ब्लॉग एंड तक देखना, बढ़िया ब्लॉग होगा, मजेदार देखना, होपफुली बढ़िया जाए सब कुछ आज का दिन। और आपसे शेयर करेंगे आप हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है स्टेडियम में पूरा। और लखनऊ का मैदान है तो मेहमान नवाजी पूरी होगी इंग्लैंड के प्लेयर्स की, और अच्छा सा मैच जाए। और मैं दूसरी बार जा रहा हूँ भाई, दबे पहले आईपीएल का मैच देखने गया था, लेकिन इंडिया का फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ। और होपफुली अच्छा मैच हो यार। बस कमेंट करके बताओ भाई अगर तुम भी वहाँ मौजूद थे, कोई मैच देखने गए तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था और क्या था सब कुछ। बाकी चलो आगे मिलते हैं, चलो। यो गाइस व्हाट्स अप, ये इंडिया इंडिया। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम स्टेडियम एक्सपीरियंस? ओके सो द गाइस आर फ्रॉम कनाडा, लाइक दे आर इंडियन, ब्रॉट अप इन कनाडा, सो हियर yeah so they have come here to watch India versus England. So how's the josh? Hi sir. भाई ये बंदा मेरे को ड्रेक जैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बताओ। तो गाइस भाई को जा रहे हैं भाई मेरा रैपिडो वाले भैया, यार पता नहीं कहीं और ही पहुंच गए। भैया कहते मैं ही ले चलूंगा, थोड़ा रिस्क की बात तो है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैच मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच के लिए कुछ भी अभी। और भाई वो टिकट्स उठा लिए ना? हां टिकट्स भाई ये रही हाथ में, परांठा खा लो गाइस। हैं चलो तो देखो गाइस रैपिडो से जाने का फायदा हो गाइस, जब भी आप ऐसे मैच देखने आओ कभी भी ना गाड़ी में तो बिल्कुल मत आना भाई, रैपिडो बेस्ट, रैपिडो इज बेस्ट। ये देखो भाई कम से कम ये भाई लोग कम से कम 3-4-5 किलोमीटर चल के। तो गाइस पहुंच से गए हैं भाई, देखो स्टेडियम दिखाते हैं आपको और यहाँ का माहौल तो अंदर जाके दिखाऊंगा। और थोड़ी शॉपिंग करने का टाइम है गाइस, भाई जर्सी लेनी है और वो चीक्स पे इंडिया का टैटू और एक झंडा। तो भाई बहुत गूज बम्स भाई, गूज बम्स। रुको तो मैं स्टेडियम दिखाता हूँ दूर से। ये देखो भाई दूर से स्टेडियम का ऐसा कुछ नजारा हो भाई साहब, वो क्या जा रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे बाहर से ही, ये देखो सारे इंडिया के सपोर्टर्स। कितने का टी शर्ट है भैया? 200। और फ्लैग 100। भाई ऐसे आप बाहर आ सकते हैं अगर आपको लेना हो टी शर्ट वगैरह कुछ भी, कैप परफेक्ट। भैया आगे उतरे धोनी की टी शर्ट, रोहित शर्मा भैया धोनी की, बाबर की है, बाबर की लोग है, इंग्लैंड इंग्लैंड की, की। बढ़िया कलर लगा देना भैया, ठीक है। ये देखो भाई चल भारत माता की जय, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हाउ इज द जज? हाय। लो भाई अंदर जा रहे हैं, रोहित शर्मा की टी-शर्ट पहन ली है दोनों ने, डबल सेंचुरी चाहिए अपन को। मैं तो कह रहा हूँ मैं उतर जाऊंगा ग्राउंड में। गाइस स्टेडियम देखो, सीन देखो, पीछे तक पूरा पैक होगा भाई पूरा। ये मत देखो ये थोड़ा नहीं, ये भी देखो यार। तो गाइस देखो स्टेडियम के बाहर आ गए हैं, भीड़ देखो। हाउ द जोश? हाय भारत माता की जय।
तो गाइस टिकटे बेच दी है, एबीपी न्यूज भाई बहुत फन आ रहा है भाई, बहुत फन। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इंडिया की पहले बैटिंग होने वाली है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जया गाता। भाई एक ओवर पहला मेडन निकाल दिया भाई, बहुत सटाके की धूप है और थोड़ा सा बढ़िया बॉलिंग भी कर रही है। पहला ओवर तो रोहित को समझ भी नहीं आया, होपफुली आज मार दे भाई, बाकी देखते हैं दूसरी बॉल भाई। कोहली कोहली भाई पहली विकेट गिर गई यार। इंडिया प्लीज जितवा दो गाइस, बहुत दूर से आए हैं मैच देखने यार। सो गाइस इंडिया काफी अच्छा तो नहीं खेल रही है, 10 ओवर के बाद 35 पे 2 है, क्या लगता है भाई टोटल कितना? साढ़े तीन सौ भैया कह रहे हैं रोहित की 200 है यार, बाकी देखते हैं। मेरे को लग रहा है मेरे को 250 के राउंड लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। लेट्स सी, और 250 के राउंड या फाइटिंग स्कोर हो सकता है। इंग्लैंड अभी फॉर्म में नहीं है, बाकी भाई देखो कितना अच्छा ग्राउंड सपोर्ट है यार। भाई पता नहीं क्या खेल रही है यार इंडिया आज। अय्यर भी आउट हो गया है यार, मेरे को अय्यर से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन 40/3 हो गया भाई और 12 ओवर होने को आए हैं। ये देख रहे थे यार, कुछ तो मार लो यार, कुछ कॉम्पिटिटिव स्कोर भाई, प्लीज इंडिया प्लीज। ये देखो यार कितने इतनी उम्मीदें लेके इतने सारे लोग आते हैं, प्लीज ऐसे उदास मत करो। ये देखो गाइस पहचान हो कौन है, इंडिया स्कोर भाई। मूड हो गया खराब, रोहित को भी आउट दे दिया है गाइस, पैकअप होटल में ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आराम से लेटेंगे भाई। भाई अभी रोहित आउट हुआ था, मिसिंग जैसे आया ना स्टेडियम कहीं और ही पहुंच गया भाई, कहीं और, इतना शोर भाई, एक भाई अभी ड्रिंक्स ब्रेक है अभी रोहित पे पूरे इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीद है रोहित शर्मा में भाई। यही गाइस रोहित शर्मा 49 पे एक रन दूर अपने हाफ सेंचुरी से, और ये रोहित शर्मा आउट हो गया गाइस, अच्छा खेला। करके गया भाई पूरा बना गया।
तो भाई सूर्य कुमार चल रहे हैं 49 पे और अपने चल रहे हैं बर्गर। ये देखो तुम्हें बॉल दिखाता हूँ, एक रन चाहिए बस। आखिरी बॉल क्या लगता है आउट? तो दैट्स द फाइनल 230 रन का टारगेट है जो कि इंडिया का सबसे कम है इस पूरे वर्ल्ड कप में, जो कि हम आए हैं चुनौती सबसे बड़े। गाइस 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 भाई, हैट्रिक बॉल, कम ऑन। इंडिया भाई इतना क्रेजी सीन हो गया, इतना क्रेजी। 3 विकेट गिरा दी इंडिया ने 33 रन पे। भाई जो स्टेडियम का माहौल है ना, नहीं बता सकता, नो वर्ड्स भाई। बहुत मौज आ रही है भाई स्टेडियम में। भाई बुमराह, शमी, कम ऑन, वी कैन डू इट, कम ऑन शमी। भाई कम से कम नहीं ना, 15 बॉलों से एक रन नहीं आया। एक भाई एक रन, 15 बॉल, दो तो सीधा मेडन गए, 13-14 बॉल, 14-15 बॉलों से एक रन भी नहीं आया है और दो विकेट आ गए। भाई सिस्टम है, सिस्टम भाई। लेकिन क्राउड सपोर्ट कर दी, भाई क्राउड सपोर्ट जो ऐसा नेक्स्ट लेवल ना। ये देखो इंग्लैंड 23 ओवर्स। और भाई इनकी रीढ़ की हड्डी टूट तोड़ दी अच्छे से, टॉप ऑर्डर पूरा समाप्त हो गया है। अब कुछ चमत्कार ये है जो इंग्लैंड को बचा सकता है, आउट हो गया। हमारे बॉलर्स ने चमत्कार कर दिया है, ये कुछ कर पाएंगे इंग्लैंड के बैट्समैन। भाई ये रहे अपने स्टार प्लेयर बूम बूम बुमराह। भाई जो दो विकेट उन्होंने निकाली है ना, और शमी भाई जो बॉलिंग कर रहे हैं, भाई 5 ओवर हो जाएंगे और सिर्फ 5 ही रन दिए हैं और 3 विकेट। बेस्ट बॉलर भाई, मैन ऑफ द मैच मेरी तरफ से मोहम्मद शमी। तो भाई रिव्यू लिया है निविन स्टर्न ने, देखते हैं आउट है या नॉट आउट। देखो भाई सब खड़े हो गए क्योंकि ये विकेट डिसाइड कर सकती है इंग्लैंड की हार या जीत। अरे भाई हार ही है भाई, और कितना हारवाएगा।
cricket, guys, live cricket. मैच तो जीत गए हैं। कैसा रहा मैच? अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। देखो भाई, शो वगैरह सब हो चुका है। अभी तो मैन ऑफ द मैच मिल गया रोहित शर्मा को, और हमारा गला भी डेड हो चुका है। फायरवर्क्स इतना प्यारा हुआ भाई, अभी फोटो सेशन चलता हुआ, फोटो सब आएंगी गाइस। मतलब भाई भैया पूरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिला है ना ऐसा मैचेस, मतलब लाइव मैच ऐसे, बिल्कुल ऐसे था कि बैटिंग के बाद लग रहा था यार हारेगी, बस एक थोड़ी देर बैठ जाते हैं। हाँ, हमें लग रहा था थोड़ी देर बैठ जाते हैं यार, क्या पता कुछ हो जाए भाई। जो क्राउड था, क्राउड ने सबके छुड़ा दिए, मतलब हाँ क्राउड की वजह से जीते भाई। विराट कोहली फील्ड से कह रहा था और मतलब भाई अल्टीमेट ब्रो, अल्टीमेट जीत रहा हूँ ब्रो। तो गाइज यही था मैच, और बहुत क्रेजी ब्लॉग बना है, बहुत ज़्यादा क्रेजी। इसको बहुत ज़्यादा प्यार दो और पहुँचा दो बढ़िया से इस पर व्यूज़। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय टाटा, गुड नाइट, प्लीज थोड़ी गलती हो रही है तो माफ़ी मांगता हूँ, बहुत गला ख़राब है। चल भाई बाय बाय, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।